जो पांच पेपर में एम सी क्यूज दिए हुए फंगस के उसमें चार पांच तरह की फंगस के एम सी क्यूज़ आते हैं मिकोर राइजपस का आता है एस्परजिलस का कैंडिडा का क्रिप्टोकोकस का और हिस्टोप्लाजमोसिस का जो हिस्टो होती है ना वो आपके रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम को इन्वॉल्व करती है हिस्टो प्लाजमोसिस एंडोथीलियल सिस्टम को इन्वॉल्व करती है म्यूकोर और रॉइजोपस जो होती है ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर या फिर ल्यूकीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होती है डी का पेशेंट का आ, की बात होगी सिनेरियो में या फिर न्यूट्रोपेनिक पेशेंट होगा कि जिसका न्यूट्रोफिल काउंट काउंट कम हुआ हुआ होगा या फिर ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर वाला पेशेंट होगा राइनोसाइनोसाइटिस कराता है ये नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं इसके और ये वाइड एंगल के ऊपर ब्रांच कर रहे होते हैं और म्यूकोर और राइजोपस ब्लड वेसल्स को इन्वेट करता है मिगोर और राजापास डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में होता है और न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स के अंदर होगा लुकीमिया वाला पेशेंट होगा या फिर डी के ए का पेशेंट होगा राइनोसाइनोसाइटिस कराता है ये नॉन सेपरेट इसके हाइफ़ी होते हैं जो वाइड ए, वाइड एंगल के ऊपर ब्रांच कर रहे होते हैं ब्लड वेसल्स को इन्वेट करता है एसपरजीलस नॉन डायबेटिक के अंदर होता है इम्यूनो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में या फिर जिनके अंदर न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन हो जाता है क्रॉनिक ग्रेनलोमटिस डिजीज वाले पेशेंट्स के अंदर एस्परजीलस इन्फेक्ट करता है ये भी रॉनोसाइनोसाइटिस करता है लेकिन इसके अंदर सेप्टेट हाइफी होते हैं जो कि ब्रांच करते हैं एक्यूट एंगल पे सेप्टेट हाइफी होते हैं एस्परजीलस के अंदर और नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं म्यूकोर और राइजिपस के अंदर अगर तो डायबेटिक होगा तो आपने म्यूको और राइसिपस के बारे में सोचना है अगर नॉन डायबेटिक होगा तो एसपरजीलस के बारे में सोचना है राइनो राइनोसाइनोसाइटस म्यूकोर भी कराता है राइजोपस भी कराता है और एसपरजिलस भी कराता है और इसी तरह से न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो कम हो जाता है म्यूकोर वाले पेशेंट्स के अंदर और न्यूट्रोफिलिक डिसफंक्शन होता है एसपरजीलस वाले पेशेंट्स के अंदर या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर एसपरजिलस की इन्फेक्शन होती है जो कैंडिडा होता है ना इसके सूडोहाइफ़ी होते हैं एक तो ये औरल थ्रश कराता है और ये डाया मॉर्फिक होता है कैंडीडा डायामॉर्फिक होता है सूडो हाइफीज के होते हैं और साथ ही औरल थ्रश कराते हैं जो क्रिप्टोकोकस होता है ये नॉट डायमॉर्फिक है डायमॉर्फिक नहीं होता है फाइव से टेन माइक्रोमीटर पे इसकी नैरो नैरो बडिंग होती है फाइव टू टेन माइक्रोमीटर की इसकी नैरो बडिंग होती है अब जो क्रिप्टोकोकस होता है ना ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ये एच एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर मेनन्जाइटस और एनकेफ्लाइटिस कराता है जब एनकेफ्लाइटिस कराते हैं तो सोबा वाला पेरेंट्स आती है और ब्रेन का मेनन्जाइटस कराता है इम्यूनो इम्योकॉम्प्रोमाइज के अंदर या फिर एच या एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर क्रिप्टो

न्यूट्रोपिनिक पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन कराता है ये नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं जो वाइड एंगल के ऊपर ब्रांच करते हैं ब्लड वेसल्स को इन्वेट करता है म्यूको डाइजस एज पर जिलस नॉन डायबिटिक के अंदर होगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा उसमें न्यूट्रोफल्स का या तो डिस्फंक्शन होगा राइनोसाइनोसाइटिस कराता है लेकिन इसके सेप्टेट हाइफी होते हैं जो कि एक्यूट एंगल के ऊपर ब्रांच करते हैं जो कैंडिडा एल्बिकेस होता है ये जो कैंडिडा होता है ये डायमार्फिक होता है इसके सूडो हाइफी होते हैं औरल थ्रश कराता है क्रिप्टोकोकस इम्यूनो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में या एच पॉजिटिव इंडिविजुअल्स में, में एनकेफिस कराता है कराता है, जिसकी सो बबल अपेरेंस आती है ये डायमॉर्फिक नहीं होता है और फाइव टू तो टेन माइक्रोमीटर पर नैरो बेडिंग होती है हिस्टोप्लास्मोसिस रेटिकुलो सिस्टम को इन्वॉल्व करती है